हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबको स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा देश के बारे में जानकारियाँ देने जा रहे हैं जिसके साथ भारत का रोटी और बेटी का रिश्ता है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नेपाल के बारे में। भारत और नेपाल के रिश्तों का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहा है। नेपाल दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत देश है जिसको दुनिया का छत के रूप में भी जाना जाता है। नेपाल एक प्यारा हिमालय देश है जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को बहुत ही आकर्षित करता है। अपनी असीम सुंदरता के लिए यात्रियों के बीच प्रसिद्ध नेपाल एक अद्भुत एहसास प्रदान करता है। देवताओं का घर कहे जाने वाला नेपाल एक बहुत ही सुंदर देश है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहाँ एक और बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ है तो दूसरी और तीर्थस्थल है। यही कारण है कि हिमालय की गोद में बसा नेपाल यहाँ की नज़ारे हर किसी के मन को छू लेता है। खूबसूरत पहाड़ की चोटियों के साथ साथ नेपाल बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म की अनुगामी के लिए एक प्रमुख धार्मिक केंद्र भी है। दोस्तों, अगर नेपाल की जनसंख्या की बात करें तो साल 2011 में हुई राष्ट्रीय जनगणना के आधार पर नेपाल में कुल आबादी है 3.634 करोड़ है। नेपाल का कुल क्षेत्रफल 1,47,516 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि नेपाल पर किसी विदेशी ने शासन नहीं किया था, इसलिए नेपाल में कोई स्वतंत्रता दिवस मनाया नहीं जाता है। 2006 में शुरू हुआ डेमोक्रेसी मूवमेंट की बदौलत 2008 में नेपाल में राजतंत्र शासन का समाप्त हुआ और गणतंत्र शासन का शुरू हुआ। नेपाल की सबसे खास बात यह है कि इस देश में अपराध की दर काफ़ी कम है, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही सुरक्षित पर्यटन देश बन जाता है। काठमांडू नेपाल की सांस्कृतिक राजधानी और वहाँ का बेहद आकर्षक शहर है। काठमांडू नेपाल का एक ऐसा शहर है जो यहाँ जाने वाले लोगों को बेहद रोमांचित करता है। काठमांडू ऐसा एक शहर है जहाँ पे 1.5 मिलियन से अधिक लोगों का घर है। यह शहर 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जो पूरी साल यहाँ आने वाले लोगों को आनंदमय वातावरण देता है। काठमांडू अपने मठों, मंदिरों और आध्यात्मिक के साथ शांति वाली जगह है। पोखरा नेपाल का ऐसा एक शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग घूमने जाते हैं। इसको नेपाल का पर्यटक राजधानी भी कहते हैं। यह 900 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर है जो पर्यटकों को खूबसूरत नज़ारों और रोमांचक खेलों से रूबरू कराता है। नागरकोट से आपको हिमालय की खूबसूरती देखने मिलती है। यह नेपाल की बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ से आपको अन्नपूर्णा, मुनस्लु, नुम्बुर, गणेश हिमाल, जुगल एवरेस्ट, लेंगटांग और रुलाब्लिंग पर्वतमाला स्पष्ट रूप से दिख जाता है। जनकपुर नेपाल का एक खास शहर है और यह देखे जाने वाली खास जगहों में से एक है। बता दें कि जनकपुर शहर भारत की सीमा से करीब स्थित है, जो सीताजी के जन्मस्थान और भगवान राम से उनकी विवाह का स्थान माना जाता है। नेपाल आने वालों पर्यटक के लिए जनकपुर एक बेहद खास जगह है, क्योंकि इस शहर में कई तालाब है जो यात्रियों को आकर्षित करते हैं। लुम्बिनी बुद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थस्थल है। यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी विश्व धरोहर है। यह भारत नेपाल से कुछ ही दूरी पर स्थित एक गाँव है। यहाँ पर मायादेवी मंदिर काफ़ी लोकप्रिय है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है, जो काठमांडू से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जहां रोज हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। भक्तपुर भक्त का शहर भी कहा जाता है। यहां पर अधिकांश मंदिर और तीर्थस्थल है जो वास्तुकला और भव्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर को नेपाल का सबसे प्राचीन मंदिर कहा जाता है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 4वीं शताब्दी किया गया था। चांगु नारायण टेम्पल प्राचीन मंदिर नेपाल की प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है, जिसमें विष्णु भगवान के साथ शेषनाग की प्रतिमा देखी जा सकती है। शंभुनाथ मंदिर काठमांडू की पश्चिम में एक पहाड़ी चोटी पर स्थित है, जो काठमांडू घाटी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। इस मंदिर का कुछ हिस्सों में बांदुरी की निवास की वजह से इस मंदिर को मांकी टेम्पल के रूप से भी जाना जाते हैं। नेपाल में सबसे लोकप्रिय ट्रैकिंग क्षेत्रों में से एक है और यह काठमांडू से 110 किलोमीटर दूरी पर है। यह नेपाल का मोस्ट विजिटिंग प्लेस में से एक है। हर साल यह हजारों लोग दुनिया भर से ट्रैकिंग करने आते हैं। यह ट्रैक लगभग 17 से 20 दिनों का होता है। अगर आप नेपाल की यात्रा करने जा रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि नेपाल जाने का अच्छा समय क्या है, तो आपको बता दें कि यह यात्रा करने का सबसे अनुकूल समय सर्दियों का मौसम होता है। आपके लिए सबसे सही रहेगा दिसंबर से मार्च तक। इस समय नेपाल में कम टेम्परेचर और बर्फबारी होती है, लेकिन इसके बाद भी नेपाल की यात्रा करने के लिए सही है। अगर आप नेपाल की फूड के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि यह का राष्ट्रीय भोजन दाल भात तरकारी है। इसके अलावा नेपाल में मोमोज, तिब्बती ब्रेड और हानी काफ़ी फेमस है। बस द्वारा नेपाल की यात्रा करने के लिए आप दार्जिलिंग, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और पटना से सीधी बस पकड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नेपाल घूमने के लिए कितना खर्च उठाना पड़ेंगे। आपको ट्रैकिंग पर हर दिन लगभग 1000 खर्च होंगे, तो 6000 से 7000 में आपका ये विदेश यात्रा पूरी हो जाएगी। इसलिए अगर आप किफ़ायती विदेश यात्रा के बारे में सोच रहे हैं तो नेपाल आपके लिए सबसे मनमोहक रहेगा।
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।